नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता खांडेकर एमएनएस न्यूज लाइव के सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। छठ महापर्व, सात समंदर पार भी बसता है बिहार। पाकिस्तानी स्नाइपर की गोली से सेना का एक और जवान शहीद। अनंत कुमार की अंतिम यात्रा आज, पक्ष विपक्ष रहेगा शामिल। अब खबरें विस्तार से। छठ महापर्व, सात समंदर पार भी बसता है बिहार। लोक आस्था का महान पर्व छठ सिर्फ इस सूबे में ही नहीं तो सात समंदर पार विदेशों में रह रहे परिवार भी इस खुशी में शरीक हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर विदेशी लड़कियों का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में लड़कियां विदेशी स्टाइल में छठ की शुभकामनाएं दे रही हैं। तीनों लड़कियों में से एक हिंदी बोलकर लोगों को छठ की बधाई दे रही है। साल दर साल विदेशों में रह रहे लोग आस्था के इस महापर्व से रूबरू हो रहे हैं। अब विदेशों में भी नागरिक छठ पूजा मनाने लगे हैं। इसका एकमात्र कारण है विदेशों में उत्तर भारतीय लोगों की मौजूदगी। हेलो, we wish you a very nice and prosperous Diwali and Chhat. un namaste. आप सभी को दिवाली और छठ की शुभकामना। In Italian. Ciao. Vi auguro un bellissimo e sicuro e prosperoso Diwali, Natale and Chhatta. Ciao. Ciao. पाकिस्तानी स्नाइपर की गोली से सेना का एक और जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में नियंत्रण रेखा से लगे इलाके में पाकिस्तानी स्नाइपर द्वारा की गई फायरिंग में एक सैनिक शहीद हो गया, जबकि एक अन्य जख्मी हो गया है। रक्षा प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। शनिवार और रविवार को भी राजौरी जिले के सुंदरबनी और नौशेरा सेक्टरों में दो सैन्य कर्मी पाकिस्तानी स्नाइपरों की गोली का शिकार बन गए थे, जबकि एक दिन पहले इसी तरह के एक हमले में जम्मू जिले के अखनूर सेक्टर में सेना के एक पोर्टर की जान चली गई थी। प्रवक्ता ने कहा, सोमवार की शाम को 5:15 बजे नियंत्रण रेखा पर कृष्णा घाटी सेक्टर में बिना उकसावे के संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए फायरिंग की गई। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अनंत कुमार की अंतिम यात्रा आज, पक्ष विपक्ष रहेगा शामिल। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के मंगलवार को बेंगलुरु में दिवंगत नेता अनंत कुमार के अंतिम संस्कार में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में भाजपा के वरिष्ठ नेता के परिवार से भेंट कर अपने सहयोगी को अंतिम विदाई दी। बेंगलुरु दक्षिण सीट से सांसद 59 वर्षीय अनंत कुमार, इन्होंने श्री शंकरा अस्पताल और अनुसंधान केंद्र में सोमवार देर रात करीब 2 बजे अंतिम सांस ली। एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए प्ले स्टोर से आज ही एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।